उस बच्चे को देखता हूँ, बाल उलझे हुए, सालों से उसने धोए नहीं शायद। उसका रंग भी मुझे नहीं याद, क्योंकि वो हमेशा धूल से छिपा रहता है। और उसके कपड़ों की तो बात ही ना करो, जो उस सर्द सुबह के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। अगर हिम्मत करके उसकी आंखों में देख लोगे ना, तब समझोगे कितना जिद्दी है वो। वो अपनी लाचारी दिखाकर तुमसे रुपया निकलवा ही लेगा, और अगर तुम उसे मना करोगे तो वो फूट फूट कर रोएगा, जमीन पर पैर पटकेगा, आखिरकार वो तुमसे रुपया निकलवा ही लेगा। मैं हमेशा इस बात को लेकर परेशान हो जाता हूँ, सोचता हूँ ये हाल किसने किया होगा इसका। कभी मैं खुद से लड़ जाता हूँ इस बात पर कि उसे रुपया देकर बर्बाद कर दूँ या फिर कुछ ना देकर उसकी मदद कर दूँ। कभी तो इस बात पर खुद को कोसने लगता हूँ कि अगर उस रोज उसकी हथेली पर पैसे की जगह एक कलम थमाई होती तो आज कहीं वो भी देश के किसी कोने में भविष्य की लकीरें खींच रहा होता। बस यही ख्याल मुझे शाम तक सताता रहा। आज सुबह भी इसके बारे में सोचा मैंने कि अंधविश्वास की चादर ओढ़े जी रहे हैं हम। कितना अच्छा होता अगर उस बच्चे को पूरे दिन में एक रुपया भी ना मिलता, जेब खाली पेट खाली। उसे पैसे की कीमत तो समझ आती, वो भी चंद रोज बाद सीख जाता कि यहाँ हाथ फैलाना बेकार है। हिंदुस्तान में फकीरी बंद हो गई है, हर बंदा मेहनत से कमा रहा है। कब देखूंगा मैं ऐसा दिन? आओ वो दिन लेकर आते हैं जहाँ एक रुपया इतना कीमती हो जाए कि फकीर को ना दे सके, और फकीर भी इतना खुददार हो जाए कि किसी के आगे हाथ ना फैला सके। एक ऐसा भारत मेरे दोस्त, जहाँ लोग फकीर को एक रुपया ना देकर उसके बच्चे को स्कूल में पढ़ाएं। चलो देश से फकीरी मिटाएं, चलो देश से फकीरी मिटाएं। सुना है उसे ठिठुरता देख इंसान का दिल पिघल जाता है, वो भी क्या खूब करता है, उसे कम्बल दान कर जाता है। वजह नहीं देखता, न मारता उस वजह को, बस उस वजह को ढककर चला जाता है। कुछ ऐसा भी किया है लोगों ने, देख लिया उस बच्चे की आंख से बहता सपना, उठा लिया जिम्मा उसकी पढ़ाई का और बना लिया उसे अपना। अब रोता वो रोज है स्कूल जाने से पहले, उसकी नस्लें सुधर रही हैं, ना समझ है वो अभी। एक दिन वो भी आएगा जब उसे पैसे नहीं पेंसिल मिला करेगी, उसकी घिसी हथेलियों में सिक्का नहीं उसके भविष्य की लकीरें हुआ करेंगी। कभी एक स्लेट और चाक भी दे आते, वो स्लेट पर चाक को जितना घिसता कोयले से हीरा उतना ही निखर के आता। चलो एक बिगड़ी आदत में सुधार लाते हैं, चलो देश से फकीरी मिटाते हैं, चलो देश से फकीरी मिटाते हैं। फकीर को रुपया देने से मना करके तो देखो, कुछ दिन तो भूखा रहेगा वो, फिर कर ही लेगा जुगाड़। उसे भी समझ आ जाएगी रुपये की कीमत मेरे यार। ये भी अब जान लेते हैं कि कलम में कितनी ताकत है। उस बच्चे को रुपया देकर बर्बाद ना करो यारो, एक कलम उसे पकड़ा के तो देखो। और सुनो, उसे भीख से ज्यादा प्यार की जरूरत है।